नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो दिल से ईमानदारी से बीपीएससी की तैयारी करते हैं और इसमें आयोग आके तमाशा करता है। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि आयोग ने दो डेट दिया है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम के लिए। दो डेट, जो पहला एग्जाम हुआ था पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से रुक गई थी, अब जब एग्जाम कराएगा तो दो डेट देगा और ये दो डेट जो है 20 सितंबर और 22 सितंबर को दिया जा रहा है। जब आप दो डेट में एग्जाम लेंगे तो धांधली और बड़े स्तर पे होगा, पेपर बड़े स्तर पे लीक होगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। अरे आप चाह के क्या कर पाइएगा, आप तो खुद उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आप हम लोग के साथ हैं कहां, आप तो उस सिस्टम के साथ में हैं जिसको बीपीएससी जनहसाई करवा दिया है। इसके लिए ट्विटर कंपेन चल रहा है, एक बार पहले मैं बोल दूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा देर के लिए याद रहे और आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग प्लीज कीजिए, यह आपके हक की लड़ाई है। पहले जो युद्ध होता था क्रांति के रूप में, जहां खून खराबा होता था, उसके बाद आंदोलन के रूप में हुआ जब महात्मा गांधी जी भारत आए, उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल क्रांति होने लगी। इसी डिजिटल रिवोल्यूशन में एक काम आपको भी करना है और इसमें रखना है हैशटैग बीपीएससी अंडर स्कोर पीटी अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर वन अंडर स्कोर सिफ्ट। एक बार फिर से हैशटैग बीपीएससी अंडर स्कोर पीटी अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर वन अंडर स्कोर सिफ्ट। इस पे जाके 11 बजे के बाद ऐसी क्रांति मचा दो ना कि आयोग को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ना कि हमने जो पृष्ठभूमि तैयार किया वो बिहार के किसी भी स्टूडेंट के लायक नहीं है, नहीं लायक है। अगर आप कंप्लेन कीजिएगा तो, अगर ट्यूटर 11 बजे कीजिएगा तो, और नहीं तो फिर शिकायत करने का कोई मौका आपके पास नहीं है। आपके हक की लड़ाई मैं या कोई और टीचर नहीं लड़ सकता है। आपके हक की लड़ाई में जितना मैं खड़ा हूं उतना ही योगदान आपको भी देना पड़ेगा, तभी इसमें कामयाब होंगे आप, वरना आयोग कामयाब हो जाएगा। और जिस दिन आयोग कामयाब हो जाएगा आपको याद आ जाएगा वो गुलाम भारत जहां पे अंग्रेज सर्वे सर्वा थे और भारतीय गुलाम थे, उसमें कोई कसर की बात नहीं है। दोस्तों, आपसे शेयर करना चाहता हूं और आप इस बात को समझ भी रहे हैं, और खास करके जो भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं, आयोग की मनसा को पकड़िए, क्या गेम खेल रहा अतुल सर, कैसा गेम खेल रहे हैं। हम ये कदापि नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए बदलाव में 100% बिलीव मैं करता हूं और मेरे जैसे हर एक हिंदुस्तानी और बिहारी ये बिलीव करता कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव समय के साथ होना चाहिए। बदलाव ऐसा होना चाहिए कि पहले जो उसके अंदर भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, जहां पे कुकर्म हो रहा है, जहां पे पेपर लीक हो रहा है, जहां पे बड़े लोग को रखा जाता है छोटे लोग को बाहर निकाल दिया जाता है, जहां पे पैसे वाले को अंदर रखा जाता है गरीब वाले को सड़क पे तांडव करवाया जाता है, इन सबको दूर कर दो तब बदलाव करो, तब तो हम भी सर झुका के एक्सेप्ट करेंगे और आप भी करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन बदलाव ऐसा जहां पे और गंदगी फैलता जा रहा और भ्रष्टाचार फैलता जा रहा, इस बदलाव को कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है। चलो एक मिनट के लिए हम मान लिए कि दो सीट में एग्जाम करवा लो आयोग, हम भी कर दिए और हम बिहार के सारे बच्चों को रोक देंगे, कोई क्रांति नहीं करेगा, शांति से सबको आपकी बात एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन क्या आपने कहीं पे आके स्टेटमेंट दिया कि ठीक है अगर बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है तो एक साल का चाहे पटना प्रयागराज या मुखर्जी नगर जहां भी बच्चा पढ़ रहा तैयारी कर रहा उसका खर्च आयोग देगा? क्या आपने कहीं पे कहा कि वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहा है उसके बाद वो वहां से चल के अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर से चल के बिहार में एग्जाम देता है जिसमें हजारों खर्च हो जाता है वो आप रिटर्न कर देंगे? कहीं है ऐसा स्टेटमेंट आप साइन करके अतुल सर दोगे? क्या आपने कभी ऐसा कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक भी क्वेश्चन 150 में 150 क्वेश्चन
अगर एक भी गलत क्वेश्चन और एक भी गलत ऑप्शन रहा तो मैं उसे लाखों का अवार्ड दूंगा, कोई दिखा दे। कहा, नहीं कहा, कैसे लोग हैं सर, आप तो समझदार इंसान हैं, आपके सिस्टम में कैसे लोग बैठे हुए हैं कि दो साल में इन लोगों से 150 क्वेश्चन सही से छप दे नहीं पाते हैं। भगा दो इनको, भगा दो, और भगा ना दो बल्कि मार के भगा दो, ये लायक नहीं है, ये जनता के पैसों पे मौज करने लायक नहीं इंसान है, ये जल्लाद इंसान है जो पता नहीं कितने लोगों को खा चुका है। सही बोल रहा हूं सर, कई लोग सुसाइड कर, कई बच्चे सुसाइड कर लिए जिसके मां बाप आज भी तस्वीर देखकर रोते हैं इन लोगों की वजह से। इनका घर, इनका परिवार अच्छे से चलता है, इनके बेटे बेटियां कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ डैड, खुशी मनाते हैं, लेकिन जिनके बच्चे कोई निगल गए उनके मां बाप आज भी आंसू पीते हैं सर। और इस सब के पीछे आप लोग हैं, आप लोग हैं, सारे लोग हैं। आपने कहीं पे यह स्टेटमेंट दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि सिर्फ एक बार में आंसर निकालूंगा, सिर्फ एक बार, बस जो कह दिया वो मैंने कर दिया, उसके बाद मैं किसी का नहीं सुनता हूं। आप दो बार आंसर निकालते क्या मनसा है सर? आप इस पर स्टेटमेंट दिए, आपने परसेंटाइल दिखा रहे हैं, क्या बेवकूफ बनाते हैं सर बच्चों को? 21वीं सदी है, दिल से बोलूं माफ कीजिएगा, हो सकता है मेरी बात बुरा आपको लगे, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपका बेटा है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमारा बेटा है, और यह मैं गर्व से कहता हूं, और मैं ही नहीं हिंदुस्तान का हर इंसान का इस 21वीं सदी में जो बेटा है वो उस बाप से ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद भी आप बेकू बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं? दो सिद्ध में आप क्या कर लीजिएगा? जो गंदगी पल उसको तो हटा दीजिए ताकि हम सारे बिहारवासी आपको सर झुका के सलाम कर सकें। वहां आपका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक बुंद भी नहीं है, कहीं नहीं। अस्केलिंग में आपने देखा ना तमाशा क्या हुआ, सुधीर कुमार डायरेक्ट वन रैंक पे पहुंच गया 290, और कोई उनसे भी अच्छा था लेकिन उनका नहीं ऑप्शन में अच्छा मार्क्स आया, नतीजा 100 भी नहीं आ पाया वो, जबकि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। माफ कीजिएगा, मैं सुधीर जी का कभी बुराई नहीं कर रहा हूं, बस इस सिस्टम की बुराई कर रहा हूं, इस सिस्टम की। आपने स्केलिंग किया, आपने बोला कि मैं स्केलिंग कर रहा हूं, अरे सारे जितने भी बीपीएससी के एस्पिरेंट है ना सर, अतुल सर आपकी तस्वीर लगाते दीवारों पे और कहते रियल हीरो आ गया बीपीएससी में, रियल हीरो, लेकिन खाक रियल हीरो आप रहिएगा, आपने तो सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इंटरव्यू में वही तमाशा करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाला है उससे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हिंदी मीडियम वाला है उससे इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछो, ताकि इन लोगों को बाहर निकालो, कम नंबर दो, और जो लोग पैसा दिया है उसको अंदर कर दो। क्या तमाशा है सर, कब समझेंगे, कब समझेंगे हम लोग? थोड़ा तो कम से कम भगवान के लिए किसी से डरो या ना डरो, कम से कम उस ईश्वर के लिए डरो जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, उससे तो एक मिनट के लिए डर लो, क्योंकि एक बार फिर से लौट के वहीं जाना है और वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां एनडीए बीजेपी और अलबल की सरकार नहीं है, वहां सिर्फ कृष्ण की वाहेगुरु और जीसस की सरकार है, वहां बोलने का कोई मौका नहीं होगा, सामने लाइव चलेगा। आपने कभी नहीं कहा सर, कभी नहीं कहा। आपने क्या किया, जितने भी एस्पिरेंट्स जो दुख के सागर में डूबे हुए थे फिर भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे, उनके अंदर आपने जहर डाल दिया, तू सर जहर डाल दिया। लोग बच्चे अब तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रेशर आपने, टेंशन आपने दे दिया, डिप्रेशन आपने दे दिया कि परसेंटाइल होगा, दो सिट में एग्जाम होगा, स्टूडेंट की तो जिंदगी बर्बाद कर दी सर। कैसे इंसान है आप सर, कैसे मैं कहूं सर कि यू आर द ग्रेट? किस एंगल से कहूं सर, एक एंगल बता दो जहां से मैं कह सकूं आपको कि गर्व है कि बीपीएससी का चेयरमैन इतना ग्रेट है, कहीं नहीं छोड़ पाया, कहीं थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ पाए। सर प्लीज समझिए, बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, लोग खेत बेच बेच के पटना में टीचर को देते हैं, टीचर भले एक बीघा से 50 बीघा में पहुंच जाता है, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमता सर, लेकिन ये सब बर्बाद हो जाते हैं। मां बाप कहीं जाके भिखारी बन जाते हैं, किसी का गुलाम बन जाते हैं, दास बन जाते हैं सर, गांव में जाके देखिए, ये सिर्फ आप लोग की वजह से होता है। प्लीज सर इस सिस्टम को सुधार कीजिए, अंतिम आशा आप हैं, बाकी सिस्टम में तो जो है वो तो है ही है, गलत हो रहा है सर, समय रहते इसका सुधार कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।